योगी सरकार के ये मंत्री सरकारी गिट्टी चोरी कर हो गए फरार। कोर्ट ने सुनाई सजा तो मंत्री जी छुपते छुपाते गायब ही हो गए। न पुलिस को खबर लगी न सरकार को, आखिर कहां गए मंत्री जी। अखिलेश यादव बोले, बताइए योगी जी अपने मंत्री के घर बुलडोजर कब भेजेंगे। यूपी में अजब गजब घटनाक्रमों की कमी नहीं है। माफियाओं को जेल में डालने का दावा करने वाली योगी सरकार के एक मंत्री जी तो कोर्ट को ही चकमा देकर फरार हो गए हैं। अब इसको लेकर योगी सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। अखिलेश यादव ने तो सीएम योगी से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया कि आप ही की सरकार के मंत्री कोर्ट से भाग गए हैं, बताइए इनके घर कब बुलडोजर चलेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान को कानपुर की एक कोर्ट ने 35 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिया है और सजा भी सुनाई है। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मंत्री राकेश सचान कोर्ट से गायब हो गए। सरकारी गिट्टी चोरी के मामले में कोर्ट से सजा पाए मंत्री जी गायब क्या हुए, समाजवादी पार्टी ने जोरदार हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और लिखा, सजा सुनते ही मंत्री कोर्ट से फरार हो गए। अब योगी जी बताएं कि अपने सरकारी गिट्टी चोर फरार मंत्री के घर प्रतिष्ठान पर बुलडोजर कब चलाएंगे, बताएं योगी जी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कानपुर देहात के भोगनीपुर से विधायक राकेश सचान को कानपुर की ACMM तृतीय कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ सरकारी गिट्टी चोरी का मामला यहां कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट में बहस के समय मंत्री राकेश सचान पेशी पर पहुंचे थे, लेकिन फैसला आने से पहले वह कोर्ट से फरार हो गए। राकेश सचान पहले कई पार्टियों में रहकर सियासत कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राकेश सचान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने राकेश सचान को कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने सपा के नरेंद्र पाल सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। मंत्री राकेश सचान के खिलाफ रेलवे की ठेकेदारी के दौरान गिट्टी चोरी होने पर IPC की धारा 389 और 411 में मुकदमा दर्ज किया गया था। चोरी गई गिट्टी की बरामदगी भी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।